आप कुछ हट के करना चाहते हो, कुछ अलग ही करना चाहते हो अपने घर में, तो डेफिनेटली डेफिनेटली चेक आउट। तो जो वॉलपेपर ब्रांड मैं आप लोगों के साथ में इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ, उसका वेबसाइट भी मैं शेयर करूँगी। तो ये ब्रांड जो है वॉलपेपर का, ये मेरा अभी तक का बहुत ही ज़्यादा फेवरेट ब्रांड है। एंड मुझे लगता है कि अगर कोई भी इंटीरियर डिज़ाइनिंग करवा रहा है और अगर उसको लगता है कि उसको बहुत ही ज़्यादा यूनिक डिज़ाइंस और बहुत ही आउट ऑफ द वर्ल्ड डिज़ाइंस अगर वॉलपेपर के सिलेक्ट करना है अपने घर में, तो उसको इस ब्रांड के बारे में तो पता होना ही चाहिए। आई मीन मस्ट, भले ही आप वहाँ से उस ब्रांड से मत खरीदो, लेकिन वहाँ से आप इंस्पिरेशन तो ज़रूर लो, क्योंकि इतने ज़्यादा यूनिक डिज़ाइंस और इतने माइंड ब्लोइंग डिज़ाइंस है, मतलब यू थैंक मी लेटर डेफिनेटली। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ वैशाली। आई एम एन आर्किटेक्ट एंड इंटीरियर डिज़ाइनर, एंड ऑन दिस चैनल आई मेक वीडियोज रिलेटेड टू इंटीरियर डिज़ाइनिंग एंड आर्किटेक्चर। तो आज के वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ एक वॉलपेपर ब्रांड, उसका वेबसाइट। मैंने अपने काफ़ी सारे इंटीरियर प्रोजेक्ट्स में भी कुछ कुछ पार्ट में, कुछ कुछ रूम्स में ये वॉलपेपर के डिज़ाइंस यूज़ किए हैं, जो कि मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। इमेजेस भी, प्रोजेक्ट की इमेजेस भी मैं शेयर करूँगी, बताऊँगी कि मैंने कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज़ किया है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी, वीडियो को पूरा देखना मिस मत करना, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में। तो बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल थैंक मी फॉर श्योर। एंड या विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो ये जो ब्रांड है वॉलपेपर का, इसका नाम है इनक्योस्ट्रो बियांको। तो ये एक इटालियन ब्रांड है वॉलपेपर का, जिसका एक वेबसाइट भी है। वो वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूँगी, आप पर्सनली जाके देख सकते हो, वहाँ से उनका कैटलॉग्स डाउनलोड कर सकते हो, उससे इंस्पिरेशन ले सकते हो। प्लस उनकी वेबसाइट पर अगर आप जाओगे, मैं अपना स्क्रीन शेयर करती हूँ, अगर आप वेबसाइट पर जाओगे तो पर्सनली कोई भी अगर आप डिज़ाइन वॉलपेपर का सिलेक्ट करते हो, तो वहाँ पर वो लोग आपको एक बेयर वॉल भी दिखाते हैं, उसके साथ में उस पर वॉलपेपर का एप्लीकेशन भी दिखाते हैं। तो आप स्क्रॉल करोगे तो आपको समझ में आएगा बेयर वॉल ऐसे दिखता है, और स्क्रॉल करने के बाद, वॉलपेपर लगाने के बाद, वॉलपेपर के एप्लीकेशन के बाद में ऐसे दिखता है। तो इनका जो पेज है वो इंस्टाग्राम पे भी, आप वहाँ पे भी देख सकते हो। एंड ये वीडियो बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, आई एम पर्सनली टॉकिंग अबाउट दिस ब्रांड बिकॉज ये मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, इसके डिज़ाइन बहुत यूनिक होते हैं। तो इंस्टाग्राम पर भी मैं कई बार स्टॉक करती रहती हूँ कि क्या नया कलेक्शन आया है। तो अगर आपको मतलब आइडियाज़ लेना है, इंस्पिरेशन लेनी है, तो आप डेफिनेटली इनसे लीजिए। आई वुड नॉट रेकमेंड यू, अगर आपका बजट नहीं है तो आप वहाँ से मत खरीदिए, क्योंकि कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि इटालियन ब्रांड है, आपको इटली से इंपोर्ट करवाना पड़ेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का आपको अलग से चार्जेस लगेगा, और ये आप खुद से नहीं कर सकते, आपको किसी को हायर करना पड़ेगा, किसी वेंडर के थ्रू आपको वहाँ से लेना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्टली अगर आप लेते हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा कस्टम ड्यूटी, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का चार्जेस देना पड़ता है। तो हम लोग यूजुअली जो प्रोजेक्ट्स में यूज़ किया है, तो हम लोगों ने वेंडर्स के थ्रू ही एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया है। कई बार ऐसा होता है कि वेंडर का कॉस्ट अगर ज़्यादा लगता है और कंपनी का कॉस्ट कम होता है, तो हम यूजुअली कंपनी के थ्रू ही डायरेक्टली ले लेते हैं। बट हम दोनों से एस्टिमेट लेते हैं, पहले हम कंपनी का भी एस्टिमेट लेते हैं, देन वेंडर्स का भी एस्टिमेट लेते हैं, एंड दोनों का एस्टिमेट लेने के बाद, कंपेयर करने के बाद कितना डिफरेंस है इंडियन रेट में और वहाँ के रेट में, उसके हिसाब से फिर हम लोग लेते हैं। तो ये थोड़ा सा मैं ऑफ ट्रैक चले गई, थोड़ा सा डिफरेंट डिटेल्स मैंने दिए आपको इस वीडियो में। बट या अगर आपको देखना है तो आप वेबसाइट पर जाके देखिए, कैटलॉग्स देखिए, और इंस्पिरेशन आप ले सकते हो। तो आई वुड से कि ये बहुत ही ज़्यादा मस्ट नो ब्रांड है, आपको पता ही होना चाहिए इसके बारे में। अगर आप कंसिडर कर रहे हो, आपका घर का इंटीरियर्स करवा रहे हो और वॉलपेपर लगाने का कंसिडर कर रहे हो, देन डेफिनेटली चेक दिस आउट वंस। अभी मैं आगे मैं इमेजेस शेयर करने वाली हूँ कुछ प्रोजेक्ट्स की, जिसमें हम लोगों ने कुछ पर्टिकुलर उनके डिज़ाइंस यूज़ किए हैं। तो ये है कुछ प्रोजेक्ट्स, आप देखें आपको समझ में आएगा कि कहाँ और कैसे हम लोगों ने ये वॉलपेपर्स यूज़ किए। अगर आपको इसका प्राइस के बारे में पता करना है कि एक्चुअली क्या प्राइस है, क्योंकि साइट पे ऑब्वियसली मेंशन नहीं किया है, तो आपको अगर इसका एक एस्टिमेट चाहिए तो आप मुझे मेल कर सकते हो, मैं अपना ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, तो मैं आपको एक आइडिया दे सकती हूँ कि कितना स्क्वायर फीट और कितने स्क्वायर मीटर का कितना चार्जेस आपको लगेगा।
जो हमारे पास कंपनी का कोट है ऑलरेडी, उसके हिसाब से मैं आपको एक टेंटेटिव प्राइस आपको मेल में बता सकती हूँ, मैं वीडियो में नहीं बता सकती हूँ। तो अगर आपको जानना है कि क्या प्राइस है उसका, तो आप मुझे ज़रूर से मेल कीजिए, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई बैक टू योर ईमेल्स। और दूसरी चीज़, अगर आपको कोई डिज़ाइन अच्छा लगता है तो आप उसको सिमिलर टाइप के प्रिंट आप कस्टमाइज़ भी करवा सकते हो इंडिया में। अगर आपको उसके बारे में भी जानना है कि आप कहाँ से कस्टमाइज़ करवा सकते हो, कौन से वेंडर्स है, किन से करवा सकते हो, कुछ कॉन्टैक्ट्स अगर आपको चाहिए, देन आप मेरे को पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मुझे ईमेल भेजिए, आई विल श्योरली हेल्प यू आउट विद दैट। एंड या डिपेंड करता है आपको क्या कैसे यूज़ करना है, आपको इंस्पिरेशन लेना है या आपको खुद उनसे परचेज करके लेना है, तो दैट डिपेंड्स ऑन यू। मेरा काम था आपको सिर्फ अवेयर करना कि ये भी एक बहुत अच्छा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है फॉर वॉलपेपर्स। अगर आप कुछ हट के करना चाहते हो, कुछ अलग ही करना चाहते हो अपने घर में, तो डेफिनेटली चेक आउट दिस वेबसाइट। एंड या गाइस, ये था मेरा वीडियो अबाउट दिस वॉलपेपर ब्रांड, विच इज़ अ मस्ट नो फॉर एवरीबडी हु इज डूइंग इंटीरियर ऑफ देयर हाउस। एंड या दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो से हेल्प मिली होगी, अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है वीडियो अगर, देन मेक श्योर यू गिव दिस वीडियो बिग लाइक, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ में, कॉमेंट करके बताना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, बिकॉज मैं इसी टाइप के और वीडियोज़ बनाती रहूँगी फ्यूचर में ही। मैं इंटीरियर डिजाइनिंग से रिलेटेड वीडियोज़ बनाती हूँ मोस्टली, सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब। एंड या दैट इज़ for this video, I will see you guys very soon in my next one. Bye.